मेरी हॉबी थी अभी ये मेरा प्रोफेशन है चौबीस साल से मैं आईटी में था अभी लास्ट ईयर से मैं रिटायर्ड हूँ एंड आई एम डूइंग दिस फुल टाइम तो मैंने काफ़ी सारे बुक्स भी लिखे हैं आर्ट और स्केचिंग uh, पेंटिंग पे और uh, हमारा ये उद्देश्य है कि जो uh, जोधपुर के जो आइडेंटिटी जो जिसको बोलते हैं उस टाइप के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए हमारी सिटी में भी यही करते हैं क्योंकि पता नहीं कितने साल ये रहेगा जैसे सब मॉडर्न स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं तो इसलिए हम इसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं एक ग्रुप है पुणे में जैसे एक अर्बन स्केचर्स ग्रुप है एक संस्कार भारती ग्रुप है और काफ़ी सारे आर्टिस्ट के ग्रुप्स है जो लाइव स्केचिंग करते हैं तो इसे एक तो एक अपने चित्र में स्पॉन्टीन आ जाती है एक देखने का अलग से नजरिया मिलता है एक्चुअली हम ये उद्देश्य यही है कि हेरिटेज को हमको प्रोटेक्ट करना है और ये हम लोग पहले स्टार्ट पुनः से हुआ था बाद में बम्बई गए थे और उसके बाद हम लोगों ने अड़ोस पड़ोसी गाँव में जो गांव अभी शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहाँ भी गए थे उनकी ब्यूटी इतनी अच्छी है कि लोग पता नहीं वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे जैसे अभी यहाँ पर भी अभी ये मकान है ये बोल रहे हैं भाई मेरे को हम यहाँ रह नहीं सकते हैं क्यों नहीं रह सकते है? इतना सुंदर मकान होता है आप आप हाँ। आप हम लोग इन, इनके एग्जीबिशन करते हैं और ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें प्रेस हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारा इंटरेक्शन होता है नई पीढ़ी के लिए हमारे साथ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स जुड़ते हैं कि जो बहुत ही कंटेम्प्रेरी टाइप का काम करते हैं लेकिन वो अभी अभी धीरे धीरे आर्किटेक्चर में जैसे यहाँ सब जगह वो पुराने कुछ चीज़ें वो नए आर्किटेक्चर में लाना चाह रहे हैं तो रेडिसन होटल बनी है रेडिसन होटल पुरान जब पुराने लुक की बनी है है ना कस्टमाइज वो लोग जो है यहाँ के भी आर्किटेक्ट वो भी रियलाइज कर रहे हैं वहाँ भी ये लोग रियलाइज कर रहे हैं छः लोकेशन हो गए हमारे स्टार्ट हमने फर्स्ट लोकेशन ये किया था मंडोर गए थे मंडोर में छतरियाँ और गार्डन्स ये हमने बताया क्योंकि यहाँ जोधपुर में प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा किया है लोगों ने उसके बाद हम गए थे नवचौकिया नवचौकिया की करीबन सारी गलियाँ हमने रिकॉर्ड कर ली जोधपुर तो मुझे बहुत ही बहुत ही सुंदर लगा और स्केचिंग के लिए पेंटिंग के लिए तो बहुत ही आइडियल ऐसा लगा तो और कुछ दिन रहना चाहिए था ऐसा भी लगा लेकिन आज वो आ, हमको करने को मिल रहा है उसके लिए आई वेरी हैप्पी कि आज हमको करने को मिल रहा है इस्पेशली <laughs> हमको को वो जो ब्लू सिटी है ना आपका <laughs> वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा तो ब्लू रखना चाहिए आपने <laughs> जितना आई मींस अभी कैसे मॉडर्नाइजेशन में लोग नए प्रकार के अगर बंगले बनाएंगे तो उसका वो जो मज़ा है <laughs> वो कम हो जाएगा तो आपने उसको रखना चाहिए करना चाहिए मैं इससे पहले मैं हैदराबाद जा के आया था वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे जो निज़ाम की जो हवेली वगैरह है तो वहाँ पे मतलब बेसिकली कि जो जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं पुराने हैं तो ये हमारी भारतीय सभ्यता है जिसको हमको बचाना बहुत ज़रूरी है फिर मतलब मैंने जोधपुर का बहुत सुना था जब यहाँ पर आया जो जो ब्लू सिटी है जो फोर्ट है जो आर्किटेक्चर है जहाँ पे बहुत कुछ हमारी जो यू नो द हिस्ट्री कनेक्टेड है हमारे जो आ, जो एक एक जो लाइफ स्टाइल है लोगों का जीना यू नो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं जहाँ तक आर्किटेक्चर की बात आती है कि आज के युग में जो आर्ट खत्म हो चुकी है सब आर्किटेक्चर रह गया आप जो भी बिल्डिंग देखेंगे तो आप स्ट्रक्चर बनते हैं आजकल डिज़ाइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है नहीं। और ना ही आर्टिस्ट की कदर की जा रही है तो मैं एज ए इंजीनियर मेरा ये बहुत ये है Uh, कि यू नो आर्ट को प्रमोट किया क्योंकि हम क्यों आए यहाँ जोधपुर खड़ी हुई बिल्डिंग देखने नहीं आए हम इसमें जो कला छुपी है वो देखने आए अगर इसमें कला ही नहीं है तो ये तो बोलते हैं कि जैसे जो सोल बोलते हैं जो आत्मा है कि इंसान से अगर आत्मा निकाली जाए वैसा आप अगर आर्ट को निकाला जाए तो वैसा है कुछ रहता नहीं है यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना वो बड़ा ही अच्छा है मतलब जो, जो पुराना वाला जो फोर्ट का कंस्ट्रक्शन या फिर पैलेस का पैलेस तो अभी नया सौ साल भी पूरे नहीं हुए अभी तक लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन है ना वो अभी उस टाइम पे जो जिस खर्चे में बन गया था वो खर्चे में अभी वापस दोबारा तो नहीं बन सकता उसमें अगर कोई डिमांड करता है तो उसी क्वालिटी का बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा